सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे के सारे अच्छे हो गए। एंड आई नो कि यार आजकल जितने मोटो ब्लॉग्स हैं सारे डिले हो रहे हैं। भाई देखो, एक होती है रील लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। सो रियल लाइफ में थोड़ी सी मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड देन काफ़ी सारे टाइम से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो मेरे एकदम पक्के वाले सब्सक्राइबर थे, वांटेड टू नो मैं कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था। भाई मैं गुड़गांव ही था एंड मेरे बैकएंड में बहुत सारा काम चल रहा था, बिकॉज ऑफ विच काफ़ी सारे व्लॉग्स जो आने वाले थे सारे डिले हो गए थे। देन आई थॉट यार एक एक करके मैं आराम से डालूं, बट नाउ फाइनली वी आर बैक विद अ बैंग। और एक अपडेट देता हूँ, मेरी जो बाइक का टायर है एकदम फ्लैट हो चुका है। प्रॉब्ली एक हफ्ता हो गया, मेरी जो पिछली वाली संडे राइड हुई थी तब से जो बाइक का टायर है एकदम फ्लैट पड़ा हुआ है, मैंने बाइक नहीं चलाई है। और गाइस फाइनली कल जाके ऑन ऑर्डर मेरी बाइक का टायर आया है। अब टायर कौन सा है? टायर है अपोलो का ट्रैम्पलर, जो कि यूज आता है एडवेंचर बाइक्स में। आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज कि बहुत सारे लोगों ने मेरे को H1 सजेस्ट किया था जो अपोलो का था, बट अपोलो H1 में भी अलग अलग कैटेगरी थी और ट्रैम्पलर में भी ढेर सारी कैटेगरीज थी। सो आई थॉट कि फाइनली ये वाला टायर लिया जाए। और जो टायर आया एक बार मैं आपको वो चेक करा दूँ, जस्ट हैव अ लुक। सो गाइज ये टायर है। अब इसके साथ पता है बेस्ट चीज़ ये है कि देखो, जहाँ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, इसमें ग्रूव्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड ये है कि काम अच्छा आ जाएगा। बट इसके साथ एक चीज़ है कि अगर आप लीन करना चाहोगे ना, आप ज़्यादा लीन कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक टूरिंग या ऑफ रोडिंग टायर कह लो, ये उस पर्पज़ से बना हुआ है। सो हमारी टूरिंग और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग होगी, सो आई थिंक ये टायर बहुत लंबा चलने वाला है और इसने हमारा बहुत सारा साथ देना है। सो इससे पहले और लेट हो जाए, जल्दी से चलते हैं, आता हूँ अपने टिपिकल मोटो ब्लॉगिंग मोड में। बट उससे पहले नीचे जाके गाड़ी में इन्फ्लेटर लगाना है, अपना जो टायर मेरा फ्लैट है वो ठीक कराना है, और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा KTM के शोरूम से। इससे पहले मैं लेट हो जाऊँ और शोरूम बंद हो जाए और बाकी के काम ना हो पाए, तो जल्दी से पहले काम कर लेते हैं। भाई साहब ने इधर ही सुसु कर दिया था आज, ये देखो। अरे मोटे, देखो मोटा हो गया कितने से, देखो मोटा हो गया पहले से। हंसी छूट गई। हाँ लल्ले, हंसता रहकर ओए चलो उठ जाओ। सो गाइज ये अपना नया टायर है, जैसे मैंने आपको बताया था अपोलो का ट्रैम्पलर, एंड इट्स अ कंप्लीट टूरिंग एंड ऑफ रोडिंग टायर। बट ये देखो यार, मैं रेस वाला बंदा हूँ नहीं ना, मेरे को ट्रैक पे लेकर जानी है। सो ये वाला टायर आई डोंट थिंक सो मेडजिलर में अब दोबारा लगाने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इन्फ्लेटर लगाया है, गाड़ी से अटैच किया है। अब यहाँ पे इसकी मैं फिटिंग करूँगा, ये बहुत झंझट भरा काम है। और ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, पसीने निकल रहे हैं मेरे तो। सो भाई मोटर हो चुकी है चालू, एंड देखो हवा भरनी हो गई है स्टार्ट। अभी मैं इसमें 8, 9 PSI डल चुकी है, और इसमें मैं इन्फ्लेट कर रहा हूँ करीब करीब 38-37, ताकि KTM के शोरूम तक पहुँच जाए, और उसके बाद फिर हम जो अपना नया टायर है वो आसानी से लगा पाएँ। सो गाइस क्या मौसम हो रहा है यार, और अभी अभी ना बारिश होकर हटी है, एंड आई फील वेरी नोस्टैल्जिक। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 11,500 किलोमीटर्स क्लॉक किए हुए, और मैं हर उस मोमेंट को याद कर रहा हूँ जब लिटरली मैंने अपना जो YouTube है जोरों शोरों से शुरू किया था, एंड जब ये मैंने बाइक ली थी, कितने सारे ट्रिप्स लगाए, राजस्थान पूरा कवर किया, फिर उसके बाद केदारनाथ गया था। बना हमारा 4 धाम का प्लान था, बट वही था तब बारिश हो गई थी, उस वजह से मैं बाकी के धाम कवर नहीं कर पाया था। बट मेडजिलर एज अ टायर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और साथ ही साथ वही मेमोरीज दोबारा रिवाइव हो रही है जैसे जैसे आज मैं टायर चेंज कराने लेकर जा रहा हूँ। देखो आप एक बाइकर से पूछते हो ना, सो यू नो ही इज़ अटैच्ड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मशीन। जैसे आपका एक शरीर होता है, लंग्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स होते हैं, कुछ एक चीज़ ख़राब हो गई तो भाई देखो दिक्कत पूरे शरीर को आती है, वैसी हमारी एक मोटरसाइकिल होती है, गाड़ी होती है। तो है बहुत इमोशनल मोमेंट है, बट वही यार देखो मेडजिलर एज अ टायर अगर मैं दोबारा जाता, या फिर अगर मैं अपोलो का H1 भी देखता, ये बेसिकली है रेसिंग टायर्स हैं, ट्रैक मशीन के लिए बने हुए हैं। और चीज़ क्या है, ये टारमैक पे बहुत अच्छे काम करते हैं, बट अगर बात आ जाती है ऑफ रोडिंग की, या थोड़ा सा डिटूर आपको लेना पड़ता है अच्छे प्लेटफॉर्म से, तो यार ये स्किड बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड इनमें कहीं ना कहीं सेफ्टी गारंटी नहीं होती है। एंड फिर मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा मैं धीरे चल लूँगा, 100, 110, 115 भी अगर हम स्पीड मेंटेन करके चलते हैं तो ट्रैम्पलर एज अ टायर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है
वो आपको इसके बाद पता चलेगा। आज तो देखो वापस आएंगे, बाइक वगैरह धुलवाएंगे, फिर आपको छोटा सा एक रिव्यू तो मैं दे सकता हूँ, बट जो मेन परफॉर्मेंस है वो हमारी टेस्ट होगी पहाड़ों में। और पहाड़ से मतलब क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये आपको कल या परसों वाले व्लॉग में पता चलेगा। सो जो व्लॉग्स आने वाले हैं गाइस, उन्हें देखना मत भूलना, बहुत क्रेजी कंटेंट आ रहा है। और वही है, जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे को ग्रो करते हुए देखा है, कहाँ 300 सब्सक्राइबर थे, कहाँ 3000 हुए और आज कहाँ 6500 सब्सक्राइबर हो गए। सो बहुत अच्छा लगता है, इट फील्स लाइक यू नो एक फैमिली बनी है 6500 लोगों की। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने शोल्डर्स पे कैरी करते हो, हर लोगों को कंटेंट दिखाते हो, बहुत बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे को टेंशन हो रही है कि भाई जो मेरा भी टायर चल रहा है जो मैंने इन्फ्लेट किया हुआ है, बस KTM के सर्विस सेंटर तक चल जाए, फिर उसके बाद हम बाकी की बातें करते हैं, टायर लगवाते हैं, थोड़ी सी गेड़ी मारते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसके रिव्यूज़ कैसे हैं। हाँ जी, ये वाला जो लगा हुआ है तो 12,500 का, ये भी मेरे ख्याल से 13,500 का है। ये इसका टायर महंगा सौदा है यार। अब और बड़ी बाइक लेते हो फिर उसके 35,000-40,000 रुपए के टायर आते हैं। बताओ। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब इसके अगर आप दोनों लेते हो तो आपको 20,000 के आसपास पड़ते हैं, 20-22,000 के आसपास। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं हम KTM के शोरूम। क्या हाल है गौरव भैया, कैसे हो? मैं क्या टायर चेंज करवा लिया जाए। अच्छा, ख़त्म हो गया अभी भी इसको इन्फ्लेटर से पहले तो भर के आया हूँ, दो हफ्ते हो गए ऐसी खड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल ही हो गया। हाँ मेरे को लगता है इसकी ना अलाइनमेंट आउट हो गई थी। अच्छा, मतलब उस साइड से नहीं घिसा, इस साइड से ज़्यादा घिस गया। तो नहीं जाना चाहिए इसमें। और इसमें कोई व्हीलीज, कोई स्टॉपी, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें, तो बस सिर्फ मेरी 11,500। हाँ यार टूरिंग ज़्यादा हो गई है उस वजह से। H1 भी देखा था बट H1 बिल्कुल इसकी तरह था, फिर मेरे को लगा कि अब मैं भी जा रहा हूँ। फिर ठीक है ना। सो गाइस अपना टायर ना फाइनली अलॉय व्हील में लग चुका है और अभी उसका अलाइनमेंट हो रहा है, और पिछला वाला टायर वो पड़ा है उसे मैं घर लेकर जाऊंगा। एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल लुकिंग मशीन। यहाँ हो रही है इसकी अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक का जो टायर है सारा काम हो चुका है, ब्रेक और ऑयल क्लच वगैरह सब चेक करा दिया है। तुषार जा रहे हैं अभी राइड लेकर आते हैं और फिर बता दें अगर कोई इशू आता है तो फिर दोबारा एक बार चेक करेंगे। बस भाई टायर लग रहा है सेक्सी। इस बाइक अपनी ऊपर चली गई है और ये बिल आया है, सो इसमें बेसिकली लेबर कॉस्ट के साथ एक व्हील बैलेंसिंग हुई है और जो पिछला टायर लगा है, तो टोटल कॉस्ट हमारी पड़ी है 650 रुपये, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। भैया मेरे को ना वो दे दो, पेटीएम दे दो। सो गाइस अपनी बाइक हो चुकी है ऑल सेट एंड मीट ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ये है मोहित, ये स्पेशली वेट से मिलने आया है चंडीगढ़ से। हम लोग एक साथ, हमारी जो पहली मेरी पहली जॉब थी, तेरी कौन सी थी, तेरी भी पहली थी? मेरी पहली नहीं थी, मेरी दूसरी या तीसरी जॉब थी। तो मेरी जो पहली जॉब थी गुड़गांव आके, वो इसके साथ लगी थी और भाई क्या फन किया था, नज़ारे लिए थे। और गाइस ये देखो, ये आपको एक बार ना टायर दिखाता हूँ, ये देखो इससे ना बीच से सारी तारे लाइनें सब निकल गई और पूरा टायर घिस चुका है। तो इसकी भाई लंका लग चुकी है, इसको आराम से इसका पेंट जॉब करेंगे और घर पर लगाएंगे। बट ये जो टायर है ना, मतलब ए क्लास A1 टायर है, और जो इसकी परफॉर्मेंस अभी मैं चेक करके आया हूँ भाई, सो फार सो गुड। बाकी ये है कि अभी मैं 60-70 की स्पीड में चल के आया हूँ, मेन जो असली परफॉर्मेंस है वो टेस्ट होती है जब मैं निकलूँगा हाईवे पे। बट फिलहाल अभी पेट्रोल दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट एम्प्टी, लेस देन 30 किलोमीटर्स अभी निकलते हैं और पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं और फिर चिल करने के लिए अपन लोग कहीं बैठते हैं। बट एक चीज़ है भाई, लाइव जो टेंशन हुई हुई थी ना स्पेशली इस टायर को लेकर, वो ख़त्म हो गई है। बढ़िया है। भाई मेरी फेजर में हम दोनों की टोपियां कितनी उड़ी हैं। याद है वो दिन फेजर में जा रहे होते थे, तब पुलिस वाले होते भी नहीं थे इधर, दादा तब नहीं था पुलिस वालों का खौफ इतना। अब तो यार जरा जरा खड़े हो गए। और ये है जहां पहाड़ों में मैं जा रहा हूँ, ऑफ रोडिंग भी बहुत होगी, तो ये है काफ़ी हद तक ना हमारा टायर बचाव कर लेगा, बाइक को भी माइलेज भी अच्छा देगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी रखेगा।
और वही होगा यार, ABS भी है, सुपर मोटो भी है, तो ऑफ रोडिंग में भी और हाईवे में भी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। ऑल राइट, सो नाउ आई एम विद MSK एंड आई एम ड्राइविंग हिज KTM, सॉरी दैट वॉज अ ब्लोपर। सो नाउ आई एम ड्राइविंग KTM एंड इट्स स्मूथ एज हेल। तो भाई फाइनली मैं नानी के घर पहुंची हूँ एंड मोहित अपनी बाइक राइड करते हैं, यहाँ पे पहली बार स्पोर्ट्स बाइक राइड कर रहे हैं और इससे पहले सारी इसने बुलेट या इनफील्ड राइड की है। हाँ भाई, कैसी लगी भाई? जबरदस्त यार, क्या मक्खन बाइक है यार, सुपर। ये तू मेरे को गिफ्ट कर दे यार, मैं गिफ्ट बुलेट ले ले। मैं दहेज में तेरे को गिफ्ट कर देता हूँ, कर ले मेरे से शादी। साथ में कैनेडा चले गए। भाई फादर्स डे का केक लेने आए थे सेक्टर 46 हुड्डा मार्केट, ये देखे बाइक ही नहीं छोड़ रहे मेरी। बस बस गाड़ी में लग जाएगी, चल चला आगे बस। ओए कैसी लगी रिव्यू, सच्ची रिव्यू बता दे। जबरदस्त, हाँ। एक नंबर बाइक। और जो रॉयल एनफील्ड ले रहा है ना, ले उसका मुकाबला नहीं। सो गाइस अनदर डे और सेम ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। कल हम लोग बहुत थक गए थे एंड देन फिर मोहित जो आया था मेरा दोस्त, ही स्लेप्ट फॉर अ वाइल, फिर उसको चंडीगढ़ जाना था, उसने बस लिया एंड थिंग्स वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट भाई जो परफॉर्मेंस है ना नाइट आयर की, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। और मुझे नहीं पता यार ये कंपनी वाले क्यों बोलते हैं कि आप सिर्फ RC या ड्यूक में आप रेसिंग टायर्स लगाओ या ऐसे सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स लगाओ जो प्रॉब्ली सिर्फ टारमैक पे चल सके। भाई बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर आप KTM RC 390 या 200 पे एक टूरिंग टायर लगाते हो, जैसे ट्रैम्पलर अपोलो का जो मैंने लगाया है, भाई बहुत अल्टीमेट परफॉर्मेंस है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि यार इससे लीन नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता। भाई देखो, सिटीज़ में लीन करना बेवकूफ़ी है, और उस हद तक लीन हो सकती है आपकी बाइक जहाँ तक बेसिक आप कर सकते हो, जहाँ तक बेसिक हर बाइक या टू व्हीलर के लिए रिक्वायर्ड होता है। और जिस हिसाब से मैंने टायर लगाया है यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। परफॉर्मेंस सो फार हैज़ बीन एब्सोल्युटली क्रेजी। और आप ये देखो जो बाइक है, बाइक कम से कम मैंने 120 तक टच करी है हाईवे में, और मैं सच्ची बताऊं एक बार मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वो वॉबल कर रही है। सो अगर आप लोगों के पास भी एक RC है या प्रॉब्ली ड्यूक है, और या प्रॉब्ली अगर आप डोमिनार भी चला रहे हो, भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है इस टायर की, और टायर बाकियों से रीजनेबल है, सो आपकी पॉकेट में भी फिट करेगा, तो आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो। बाकी यहीं करता हूँ इस वीडियो का दी एंड, और कहाँ जा रहा हूँ, मेरी राइड कहाँ के लिए स्टार्ट हो रही है। शायद जब तक आप ये व्लॉग देखो, शायद मैं निकल जाऊँ, शायद हो सके मैं अगले दिन निकलूँ। सो लेट्स सी क्या सीन बनता है। और फिलहाल अभी वीडियो एडिट करूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा, फिर उसके बाद मैंने निकलना है। सरोजनी जा रहा हूँ, काफ़ी सारे अपनी टी शर्ट्स लेने, कपड़े लेने हैं। और फिर मेरे को लगा यार कि हमारा जो ट्रिप होने वाला है बहुत ही ज़्यादा रॉ रफ, मतलब बहुत एक कहते हैं जबरदस्त एक्सपेडिशन होने वाला है। सो आई डोंट वांट यार कि चलते फिरते कोई भी दिक्कत है। बेसिक अपनी जितनी नेसेसिटीज है, पेंचर किट है, XYZ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो भाई वो सारी की सारी आज जाके इकट्ठी की जाए। बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पे नए हो। और अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूंगा एक बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन दिस इज मी MSK साइनिंग ऑफ एंड यू गाइस टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।